नमस्कार, मैं विजय मिश्रा देखना चमुदाय के निर्णायक आज की अहम खबर पर। महाराष्ट्र के नागपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी कुछ देर पहले ही पुलिस को हुई। फिलहाल मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस। नागपुर पुलिस के मुताबिक घटना नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन इलाके में दोपहर के 2 बजे के लगभग हुई। हत्या और आत्महत्या करने वाले शख्स का नाम आलोक माथुरकर है। आलोक ने पहले अपनी पत्नी, बेटी, बेटे, सास और भाभी की हत्या की, फिर खुद फंदे में झूल कर अपनी जान दे दी। इस हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को अपने कब्जे में ले लिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। जांच में सामने आया है कि आलोक सिलाई का काम करता था। उनका पूरा परिवार प्रमोद बीसीकर नामक शख्स के घर में किराए पर रहता था। शुरुआती जांच में पुलिस ने पारिवारिक कलह बता दिया। हालांकि घरेलू विवाद में इतने बड़े कदम उठाने के बाद पुलिस भी हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम उठाया शख्स ने। और पुलिस इस पूरे मामले को हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। बने रहिए चैनल के साथ।